हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ फनी बनी किड्स गेम जोन में। यहाँ पे आके बड़ा मज़ा आता है, तो चलिए अंदर चलते हैं। कभी कभार ऐसी जगह लाना बच्चों को ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है। एक ही एक चीज़ खेल के वो बोर हो जाते हैं, तो ये जो गेम जोन है बहुत ही बढ़िया है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। हफ्ते में एक बार हम यहाँ जा सकते हैं, यानी हमारे बच्चों के साथ हम जा सकते हैं यहाँ पर। और ये जो गेम जोन है मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, बेसा रोड नागपुर। और हल्दीराम के एग्जैक्ट सामने की रो में ये गेम जोन आपको मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ खेल के, उनके साथ कहीं नई जगह जाके हमें भी फ्रेश लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और वैसे भी ना, बच्चों के साथ खेलने के बाद कोई भी रहो, उनका माइंड फ्रेश होने ही वाला है, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे होते हैं। उनके साथ खेलने के बाद किसी का भी माइंड फ्रेश हो जाता है और टेंशन एकदम से गायब हो जाता है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी बेबी को, यानी उसका नाम है रुद्रा, तो उसे मैं हर जगह लेके जाती हूँ, एक नई जगह उसे दिखाने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों को भी खुशी होती है और अच्छा लगता है। सो यहाँ पे आने के बाद उसने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होती है बच्चों को संभालने के लिए, उन पे ध्यान देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। गेम जोन के अंदर जाने की प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ पे करने होते हैं 300 रुपीज़, और साथ ही में आपको लगते हैं सॉक्स बच्चे के। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सॉक्स है तो आप वही पहना के दे सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो सॉक्स मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। वो बहुत सस्ते होते हैं, 30 रुपये में एक जोड़ी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे 2 फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में आपको ये सब चीज़ें देखने मिलेंगी, ये सब जो गेम हैं ये देखने मिलेंगे। और नेक्स्ट जो 2nd फ्लोर है वहाँ पर क्या है क्या नहीं है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, सारी मैंने वीडियो कवर की है। सो 300 रुपीज़ में आपको 1 आवर्स के लिए ये गेम जोन इंजॉय करने मिलता है। सो हो सके तो आपके बच्चों को यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हो सके तो अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day.